नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी इस प्रकार है। भारतीय इतिहास में अत्यंत सुंदर और साहसी रानी की गाथा मिलती है। रानी पद्मावती के पिता सिंघल प्रांत जो कि श्रीलंका में है के राजा थे। उनकी माता का नाम चंपावती था। रानी पद्मावती बहुत ही सुंदर थी। उनका लालन पालन बड़े ही लाड़ प्यार से किया गया था। रानी पद्मावती के पास एक बोलता तोता था जिसका नाम हीरामणि था। रानी पद्मावती के विवाह के लिए स्वयंवर किया गया जिसमें अलग अलग हिंदू राजाओं ने भाग लिया। वहाँ पर एक छोटे से राज्य का पराक्रमी राजा मलखान सिंह भी आया था। उसी स्वयंवर में विवाहित राजा रावल रतन सिंह भी मौजूद था। उन्होंने मलखान सिंह को हराकर रानी पद्मावती से विवाह किया। यह उनकी दूसरी पत्नी बनी और फिर वे राजधानी चित्तौड़ वापस आ गई। राजा रावल रतन सिंह रणकौशल और राजनीति में निपुण थे। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक महावीर योद्धा थे। चित्तौड़ में एक संगीत में प्रवीण राघव चेतन नाम का संगीतकार था जिसकी चर्चा दूर दूर तक थी। महाराज उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन महाराज ये नहीं जानते थे कि राघव चेतन संगीत के साथ साथ जादू टोना भी जानता था। यह काम वो युद्ध में शत्रु को परास्त करने में किया करता था। एक दिन राघव चेतन कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा था, तब उसे रंगों हाथों पकड़ लिया गया, फिर राजा के समक्ष पेश किया गया। महाराज ने राघव चेतन को दोषी पाया तो उसका मुंह काला कर गधे पर बैठा कर देश से निकाल दिया गया। उसके बाद राघव चेतन बदला लेने के लिए दिल्ली राज्य चला गया। दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी को उकसा कर चित्तौड़ पर आक्रमण करवाया जिससे उसका प्रतिशोध पूरा हो सके। एक दिन दिल्ली का बादशाह शिकार खेलने के लिए आया तो उसे देखकर राघव चेतन बांसुरी बजाने लगता है। उस बांसुरी की आवाज को सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसे अपने पास बुलाया तो राघव चेतन कहता है, आप मुझ जैसे साधारण कलाकार को अपने राज्य की शोभा बनाकर क्या पाएंगे? अगर हासिल ही करना है तो राज्यों में और भी बेशकीमती नगीने पड़े हैं। तभी खिलजी कहता है, पहेलियों में बात ना करो, साफ साफ बताओ। वह चित्तौड़ राज्य का एक एक राज खोल देता है और रानी पद्मावती के अद्भुत सौंदर्य के बारे में बताता है। तभी खिलजी सब कुछ जीतने और रानी पद्मावती को हासिल करने का मन बना लेता है। उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का मन बना लिया, लेकिन वहां की अवैध सुरक्षा देखकर खिलजी की पूरी सेना स्तब्ध रह गई। उन्होंने राज्य के बाहरी पड़ाव डाल दिया। उसके बाद खिलजी ने राजा रावल रतन सिंह को कपट संदेश भेजा कि वह रानी पद्मावती की सुंदरता का बखान सुनकर उनके दीदार के लिए दिल्ली से यहाँ आया है। एक बार सुंदरी रानी पद्मावती को देखना चाहते हैं। उसने कहा कि वह रानी पद्मावती को अपनी बहन मानते हैं, इसलिए सिर्फ दूर से ही एक नजर देखना चाहते हैं। तो चित्तौड़ के महाराज रावल रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को जवाब दिया और उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। दूसरा रास्ता निकाला गया। रानी सीढ़ियों से गुजरेगी, सामने एक शीशा लगा दिया जाएगा, उसके बाद रानी को दिखा दिया गया। लेकिन खिलजी ने धोखा दिया और राजा रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया और किले के बाहर अपनी छावनी में कैद कर दिया। फिर संदेश भिजवाया गया, अगर महाराज को जीवित देखना चाहते हो तो रानी पद्मावती को फौरन खिलजी की खिदमत में पेश किया जाए। तब रानी पद्मावती ने बादल गोरा की मदद से खिलजी को एक पैगाम भेजा कि रानी पद्मावती समर्पण करने के लिए तैयार है। वह पालकी में बैठकर किले के बाहर आएगी। अब रानी पद्मावती नारी के भेष में सैकड़ों योद्धाओं ने मिलकर दिल्ली के सेना पर आक्रमण कर दिया और रावल रतन सिंह को खिलजी से मुक्त कराया। खिलजी की रानी के इंतजार में बावला सा हो गया। बादशाह के मुक्त होने पर वह झल्ला उठा, फिर चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, लेकिन किले की अवैध शक्ति को काट नहीं पाया। लेकिन जैसे ही खाने पीने का सामान लेने सैनिक बाहर निकले, उसने तुरंत आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में राजा रावल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। फिर वह किले में घुसने की तैयारी करने लगा। उसने पुरुषों और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया और औरतों को गुलाम बनाकर अत्याचार करने की सोचने लगा। महिलाओं ने राजपुतानी रीति के अनुसार जौहर किया। नगर के बीचों बीच एक बड़ा सा कुंड बनाया गया। रानी सहित सभी महिलाओं ने एक धधकती आग में कूदकर अपने प्राणों की बलि दी। इतिहास में राजा रतन सिंह, रानी पद्मावती, सेनापति गोरा और बादल के नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हैं।